दुनिया के कई देशों में फैल रहे मंकी पॉक्स संक्रमण के कारण लगातार चिंता की स्थिति बनी हुई है। भारत में भी इसे लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच केरल में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी है कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक व्यक्ति ने मंकी पॉक्स बीमारी के संदिग्ध लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद उसके सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए पुणे भेजा गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को कहा कि मरीज के सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जांच के नतीजे मिलने के बाद ही मंकी पॉक्स की पुष्टि की जा सकेगी। जॉर्ज ने कहा कि इस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं और वो विदेश में संक्रमण के मरीज के करीबी संपर्क में रहा था। 60 से अधिक देशों में फैली है बीमारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली संक्रामक बीमारी है और इसके लक्षण चेचक के मरीजों के जैसे ही होते हैं। यह बीमारी अमूमन पश्चिमी और मध्य अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन अब तक ये 60 से अधिक देशों में फैल चुकी है। देशों में मंकी पॉक्स के 10,400 से अधिक कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं। दुनिया कई देशों में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। 12 जुलाई तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के 1,735 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। Oh,